खत्म हो गया क्या भाई? यहाँ पे एलडीसी प्रोग्राम हो रहा है और एनर्जी लग रहा है कि खत्म हो गया सारा लोग का, तो एनर्जी है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आज मैं अगर इस स्टेज में अगर आप आया तो शायद आज के डेट में एक ऐसे इंसान, एक ऐसे सक्सेस का मेरे साथ में सपोर्ट रहा, गाइडेंस रहा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों मिस्टर हिमांशु सर एंड मिस्टर मनोज सर के लिए जुदा ताली। और दोस्तों अगर बात कर जाएगा तो इस सिस्टम में करीबन 3.5 साल पहले मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था और उसमें मेरा जो एज था 16 ईयर, 16 साल के एज में मैंने स्मार्ट वैली स्टार्ट किया। दोस्तों अगर बात किया जाएगा तो अगर मैं इस स्टेज पे यहाँ पे खड़ा हूँ, शायद मैं रियल बता रहा हूँ, मुझे खुद में विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये 19 साल का बंदा आप लोगों के सामने बोल पा रहे हैं और शायद खुद के अंदर विश्वास भी नहीं हो पा रहे हैं कि शायद मैं बोला कोई और बोल रहा है। दोस्तों का बात किया जाएगा तो 3.5 साल पहले जब मैं सिस्टम में आया था तो थोड़ा मैं फैमिली के बारे में बताना चाहूँगा। फैमिली बैकग्राउंड का बात किया जाएगा तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक मजदूर फैमिली से बात किया जाएगा तो मेरे पिताजी एक सिंपल सा मजदूर किसान फैमिली था और घर का जो स्थिति था, पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे वो पढ़ाई लिखाई करवा सके। मैं अपने गांव से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट किया कक्षा 5वीं तक अपने गांव से, उसके बाद मेरे पिताजी का थॉट था कि तुम पढ़ाई लिखाई फालतू में अपना टाइम इधर पास कर रहे हो, घर की स्थिति इतना खराब है कि घर में खाने तक का भी कंडीशन खराब था। दोस्तों का बात किया जाएगा तो गाँव से जिस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, घर का स्थिति इस तरीके का था कि शायद घर में चूल्हा जलाने तक के लिए जो होता है, जो गांव में चूल्हा से घर में खाना बनते हैं, तो शायद लकड़ी भी नहीं होया करता था, तो जा करके खेतों में, दूसरे के खेतों में जा करके तो घास फूस बीन करके जो लेकर आते थे उसको सुखा करके किसी तरीके से घर का चूल्हा जलता था। तो दोस्तों का बात किया जाएगा, एक सोच तक नहीं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, जिंदगी क्या है नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वीक था, लेकिन फिर भी एक सोच था कि जिंदगी में, क्योंकि जिस एरिया से बिलोंग करते होते हैं गांव एरिया में पढ़ाई कर लेंगे, जिंदगी इसी में सब कुछ है, तो इस सोच तक नहीं, पढ़ लेंगे, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है। तो दोस्तों उस टाइम पे फैमिली का सिचुएशन देख करके मैं वहां से घर से निकल गया। मैं फिर जा करके ननिहाल से दोस्तों, फिर मैंने 5 साल अपने ननिहाल से दोस्तों मैंने पढ़ाई लिखाई किया, तो वहां पे भी जाने के बाद दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के बाद जो भी अनाज मिलते थे, गेहूं के सीजन में गेहूं काट करके, धान के सीजन में धान काट करके जो मजदूरी मिलते थे उसको मैं उसी से अपना पढ़ाई लिखाई खर्चा अपना कम्प्लीट कर रहा था। उसके साथ देखा जाएगा तो फिर मैं अपना कक्षा 11वीं में जब मैं पढ़ाई लिखाई अपना स्टार्ट किया, उस टाइम पे पैसे इतने नहीं थे कि मैं दूसरे स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकूं। मैं दोस्तों एक प्राइवेट स्कूल से एडमिशन तो लिया, लेकिन शायद स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मुझे पता भी नहीं चला कि किस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है, क्योंकि एक मैं कोचिंग कर रहा था, मैं कोचिंग के थ्रू देखा जाएगा तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ। तो कक्षा 10वीं के बाद मैंने स्कूल देखा ही नहीं, स्कूल क्या होता है, लेकिन शायद दोस्तों की बात किया जाएगा तो एक सोच था कि नहीं चलो इंटर पास कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारा सपना था कि नहीं पढ़ाई कर लेंगे, जिंदगी में कुछ बन जाएंगे तो शायद घर का स्थिति सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों का बात किया जाएगा उस टाइम पे एक ऐसे सक्सेस अगर बात किया जाएगा, पढ़ाई में पूरा मेरा दिमाग दिन रात 2400 घंटा में देखा जाएगा तो 12-14 घंटा सिर्फ पढ़ाई में अपना टाइम पास हो रहा था। तो दोस्तों का बात किया जाएगा सिस्टम में देखा स्मार्ट वैली में जब मैं आया यहाँ पे तो फैमिली में पैसे का बात किया जाएगा, पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उस टाइम पे किसी तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद 10% का इंटरेस्ट में लेकर के मैंने सिस्टम में एडमिशन लिया था। लेकिन दोस्तों का बात किया जाए तो मैं काउंसलिंग जब अटेंड किया 2012 में, लेकिन उस टाइम पे बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था और फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही खराब था, उस टाइम एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो हमारा फ्रेंड था स्कूल कॉलेज का फ्रेंड, वो हमेशा बार बार समझाता रहा स्मार्ट वैली करो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो विश्वास उस टाइम पे नहीं होगा करता कि जो हमारा फ्रेंड पानी पूरी बेचता है वो बोलता है तुम्हारा जिंदगी स्मार्ट वैली से बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों का बात किया जाएगा फिर से करीबन 8-10 बार फॉलोअप हुआ, उसके बाद 2013 में मैंने एडमिशन स्मार्ट वैली में लिया 10 महीने बाद, जब उसने कुछ अचीवमेंट्स कर लिया। लेकिन फिर भी स्मार्ट एडमिशन लेने के बाद में स्मार्ट वैल्यू पे ना फोकस करके बल्कि ज्यादा पढ़ाई में फोकस कर रहे थे। उस टाइम पे अपलाइन बोलता था
यार तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तुम्हारा ठीक है, तुम इंटर पास कर लो, बीए पास कर लो, जो तुमको पढ़ाई करना कर लो, लेकिन जिस टाइम पे मार्केट में तुमको 5 लाख 10 लाख रुपए की जब बात आएगी तो क्या लगता है तुम्हारे पिताजी तुमको पैसा दे पाएंगे? उस टाइम पे शायद तुमको सही से जो पिताजी पढ़ाई लिखाई खर्चा नहीं दे पा रहे हैं, तुमको 5 लाख 10 लाख दे भी नहीं सकते हैं, और लास्ट में तुमको जाकर के कहीं पे मजदूरी करना पड़ जाएगा पूरी जिंदगी। जिस तरीके से पिताजी लोगों में जिंदगी बिता रहे हैं वैसे तुमको भी जिंदगी बिताना पड़ेगा। एक दिन उस टाइम पे मिस्टर हिमांशु सर ने बैठा करके आधे घंटे तक मिस्टर मनोज सर ने पूरा माइंड सेट किया, पूरा बताया कि तुम स्मार्ट वाले दिल से काम करो, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी वो टैलेंट है, मैटर ये नहीं रखता कि तुम्हारे एज कितना है, उम्र कितना है, बस तुम्हारा डिजायर चाहत तुम्हारा मजबूत होना चाहिए, तुम्हारे अंदर भूख कितना, पैसे कमाने का चाहत कितना तुम्हारे अंदर। जिस इंसान घर मजबूरी आ जाती है वो 5 साल 10 साल की उम्र में भी जाकर होटल में जाकर बर्तन मांज करके अपने घर का खर्चा चलाता है, लेकिन तुम्हारे स्मार्ट दिल से काम करोगे तुम्हारा आने वाला ये करने बल्कि 7 जनरेशन की जिंदगी बदल जाएगा। दोस्तों का बात किया जाएगा, उस टाइम पे जो हमारे स्कूल के टीचर थे बहुत सारे डिमोटिवेट किए कि तुमने पढ़ाई में बहुत एक्सपर्ट हो, ये कर लो वो कर लोगे, लेकिन शायद मैं रियल बता दोस्तों ऑफलाइन का बात लास्ट वर्ड जो ऑफलाइन बोल दिया लास्ट वर्ड मैंने उस टाइम पे मिस्टर मासर का बात सुना। और शायद मैं बताना चाहूँ दोस्तों उसी टाइम पे मात्र 2 से 3 दिन बाद मैं बढ़िया बिस्तरा बात करके दूसरे एरिया में जाकर मैंने फोकस करना स्टार्ट किया देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। और दोस्तों बात किया जाएगा तो उस टाइम पे कोऑपरेशन के लिए मेरी मम्मी थे जो मेजे में 5 रुपये डाल करके उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे स्मार्ट कुछ हो पाएगा तुम जाओ कुछ करो, लेकिन मेरे पिताजी उस टाइम पे भी टांग खींचना स्टार्ट किए कि तुम कुछ नहीं कर पाएगा, तुम नालायक हो ये वो। लेकिन दोस्तों का बात किया 17 साल की उम्र में मैं घर से निकल गया स्मार्ट वैल्यू का एक सोच लेकर के, नहीं जिंदगी में कुछ बनना है कुछ तो करके दिखाना है। दोस्तों का बात किया काम करते उस टाइम पे एक ऐसे एरिया में शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये दुबला पतला इंसान जो बिजनेस करने के लिए निकल रहा है जहाँ पे ना कोई सेंटर है जहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है वो क्या करेगा, लेकिन शायद ऑफलाइन का जो डिजायर जो सपना दिखाया था कि तुम्हारा यहाँ से हर सपना पूरा होगा वही सपना। और शायद इस तरीके जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो लखनऊ मैंने एक रिकॉग्निशन अटेंड किया जिसमें मैंने देखा हमारे इस लड़के लड़कियां लोग अपना लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो मैंने भी स्मार्ट वैल्यू में दिल से फोकस करना स्टार्ट किया। 4 महीने तक कुछ भी नहीं हो पाया लेकिन फिर भी लगातार कंटिन्यू, उस टाइम पे जिम में पैसे भी नहीं थे, कम से कम 1-1 हफ्ते बीत जाते थे, सही से 2 टाइम खाना भी नहीं खाते थे, पैदल चल चल के दोस्तों का बात किया जाएगा तो पैर सूज जाता था, लेकिन फिर भी आपने उस टाइम मोटिवेट किया कि नहीं तुम मेहनत करो आज ही नहीं इसका फल तुमको कल मिलेगा। दोस्तों वही मेहनत में करना स्टार्ट किया और देखा जाएगा तो यही स्मार्ट वैली में काम करते 3.5 साल कंप्लीट हुआ, तो यही से काम करके दोस्तों बात किया जाएगा जिस बंदे के पास में एडमिशन लेने तक का पैसा नहीं था आज वो बंदा स्मार्ट वैली से काम करके करीब 50,000 तक का अपना मैं मोबाइल यहाँ यूज कर चुका, 50,000 तक अपना खुद का टैबलेट हुआ, 32,000 रुपए का लैपटॉप भी हुआ दोस्तों, यहीं से 60,000 रुपए का महिंद्रा सेंचो बाइक भी लिए। और दोस्तों बात किया जाएगा तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था बार बार मेरे पिताजी बोलते थे तुम ये सब फालतू काम कर रहे हो पैसा कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन कल के डेट में तुम्हारे 3 सिस्टर छोटी हैं उसका शादी कैसे होगा, हमेशा वो बार बार डिमोटिवेट करते थे कि तुम मजदूरी करो कुछ पैसा जुटाओ बहन का शादी करना है तुम ये सब काम है फालतू काम बिजी हो। लेकिन दोस्तों मैंने स्मार्ट वैली में दिल से विश्वास था काम कर देंगे, मैंने अपने बहन को 65,000 रुपए का स्कूटी भी गिफ्ट किया। और दोस्तों बात किया जाएगी यही बंदा एक टाइम पे जिस घर में चूल्हा जलाने के लिए घास फूस से दोस्तों घर में चूल्हा जलते थे आज वो बंदा स्मार्ट वैली से काम करके अभी मात्र 2 दिन पहले जब कोलकाता आना था उसी से 1 दिन पहले दोस्तों बात किया जाएगा तो एक अंदर से डिजायर था कि नहीं जाएंगे कोलकाता में प्रोग्राम में तो जाएंगे लेकिन मुझे स्टेज पे जाना है, मुझे इस भीड़ में बैठ कर ताली नहीं बजाना है। दोस्तों मैं 2 दिन पहले अपने खुद के इनकम का ये 19 साल की उम्र 19 साल है दुबला पतला लेकिन स्मार्ट वेल में काम करे दोस्तों अपने खुद के इनकम का मात्र 2 दिन पहले अपने पैसे से 5,70,000 रुपए का रिनॉल्ट का क्विड मैंने परचेस किया, 5,70,000 रुपए का क्विड कार मैंने परचेस किया स्मार्ट वेल से। दोस्तों आज भी बंदा अपना खुद के कार में देखा जाएगा तो पूजा पाठ करने के बाद में वो गाड़ी अपना खुद का खड़ा करके मैं बल्कि घर पे भी नहीं गया लेकिन मैं घर पे बोल कर आया कि नहीं जा रहे हैं स्मार्ट वैल्यू, पहले हमारा सब कुछ माँ बाप जो भी है वो हमारा स्मार्ट वैल्यू है। दोस्तों का बात किया जाएगा तो बस एक ही चलन से मैं स्मार्ट फोकस कर रहा हूँ कि आज के डेट में हम लोग भी यहाँ पे काम करें, यूपी से काम तो कर रहे हैं, यहाँ पे यूपी से बहुत से लोग आए हुए हैं लेकिन सर भी जब स्टार्ट किए हैं तो हमने देखा आसाम से तो बहुत सारे अदर स्टेट से स्टार्ट किए हैं तो एक जलन हुआ कि यूपी से यहाँ पे काम करना स्टार्ट किए हैं, जैसे आज सर लोग भी अपना बिजनेस को स्टार्ट किए हैं
आज कोलकाता बंगाल से, तो आज पूरे झारखंड से बहुत से लोग अपना स्टार्ट करने के बाद में, तो झारखंड पूरा स्टेट का हर जगह पे नाम होता है जो एक छोटे से स्टेट का। लेकिन दोस्तों एक मैंने जलन लिया कि आज उसी यूपी में मैं, दोस्तों आज यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका यूपी से कोई बड़े लेवल पे नहीं जा पाया। आज हमारे सीनियर बोलते हैं कि दीपक तुम काम करो, आज हम लोग झारखंड जैसे स्टेट, छोटे स्टेट से काम करके आज पूरे इंडिया में तहलका मचा रहे हैं। दोस्तों मैंने भी एक कसम खाया कि सर मैं भी और यूपी से काम कर रहे हैं, यूपी में अपना इस तरीके से काम करेंगे, ऐसा लीडर क्रिएट करेंगे अपने जैसे कि मात्र 20 साल का बंदा बल्कि इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में राज करेगा, ऐसा टारगेट लेकर अपना फोकस करके अपना काम कर रहे हैं। और दोस्तों मेरा अगला जो टारगेट है कि ईयरली तक अपना देखा जाएगा, अभी रिसेंटली में पर्ल अभी क्लोज होने वाला है और देखा जाएगा, तो ईयरली तक अपना जो टारगेट है कि अपना सफायर एचपर भी अपना कंप्लीट करेंगे और कंपनी का 7 लाख रुपया बोनस भी लेंगे और साथ साथ में दोस्तों कार का पेमेंट करने के बाद में, तो नेक्स्ट ईयर में हाफ ईयरली में खुद के इनकम का बनारस में 30 लाख रुपए का दोस्तों अपना खुद का फ्लैट भी परचेस कर, 30 लाख। थैंक यू, ओके बेस्ट, थैंक यू, ओके।